नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो ब्लैक जर्मन शेफर्ड पर है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहें। आपको मैं बताऊंगा ब्लैक जर्मन शेफर्ड के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जर्मन शेफर्ड डॉग हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाली ब्रीड है, एक फैमिली डॉग भी है, इसलिए इसे ज़्यादातर पाला जाता है। लेकिन दोस्तों, ब्लैक जर्मन शेफर्ड नॉर्मल जर्मन शेफर्ड के मुकाबले में बहुत ही रेयर होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जर्मन शेफर्ड एक अच्छी फैमिली डॉग में आती है, उसे आप पाल सकते हैं। पर अब आते हैं वहीं ब्लैक जर्मन शेफर्ड डॉग पे। तो ब्लैक जर्मन शेफर्ड थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, इन्हें बहुत ही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ही अच्छे से इनको वक्त देना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये अपने मालिक के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। तो आप अगर ब्लैक जर्मन शेफर्ड पाल रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से इसका केयर करना पड़ेगा। ब्लैक जर्मन शेफर्ड में आप देखेंगे अगर नॉर्मल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, इनकी बाल बहुत ही शाइनिंग करती है और वैसे दिखते भी बहुत क्यूट हैं। और देखा जाए तो ये उनसे महंगे भी होते हैं। और इनमें दो वेराइटीज़ पाई जाती है ब्लैक जर्मन शेफर्ड में, एक केसीआई रजिस्टर्ड ब्लैक जर्मन शेफर्ड और एक नॉन केसीआई रजिस्टर्ड। अगर आप केसीआई रजिस्टर्ड ब्लैक जर्मन शेफर्ड लेने जा रहे हैं तो आपको उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और नॉन रजिस्टर्ड ब्लैक जर्मन शेफर्ड लेंगे उसका प्राइस कम होगा। लेकिन अब बात यह आती है कि भारत में ब्लैक जर्मन शेफर्ड जल्दी नहीं मिलता या थोड़ा रेयर होता है, इसलिए आप देखिएगा इनका प्राइस नॉर्मल जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, ब्लैक जर्मन शेफर्ड डिमांडेड होती है, इन्हें सिर्फ डिमांड पे ही मंगाया जाता है। जैसे कि आप देखा जाए तो नॉर्मल जर्मन शेफर्ड हर जगह आजकल मिल जाते हैं और हर कोई पालना पसंद करता है, तो बस यही है डिफरेंसेस। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप कृपया शेयर करें मेरे वीडियो को और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए कौन सी जानकारी और लाने की कोशिश करूँगा, आपको जो भी जानकारी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।